बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो यह दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। इतिहास बदल रहा है। पिछले बहुत सालों में इस हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जो इतिहास बिगाड़ने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार उस इतिहास को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है, किताबों के अंदर लाने का काम कर रही है। भगवान रामचंद्र जी से लेकर कृष्ण जी से लेकर महाराणा प्रताप तक का इतिहास, शिवाजी राव तक का इतिहास आज किताबों में लाने का काम कर रही है, और कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार। दोस्तों,